हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्मार्ट ऑटो डिवाइस की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पल्सर 150F के बारे में। हाँ, यानी कि पल्सर 150 फुल फेयरिंग के साथ आपको देखने को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं नियोन क्लासिक और UG5 के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ये जानकारी अपने दोस्तों को देना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर दबा देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेगी आपको पल्सर 150 फेयरिंग के अंदर देखने को मिल सकती है क्या। हाँ, इसका भी कंफर्म नहीं है। आपको ये गाड़ी भी फेयरिंग के अंदर देखने को मिल सकती है क्योंकि जब बजाज ने 180 के मॉडल को 125 के अंदर ला करके लॉन्च कर दिया तो 220F के मॉडल को 180 के अंदर भी ला करके लॉन्च किया था। इसी प्रकार से बजाज अब 180 के मॉडल को अब 150 के अंदर भी ला करके लॉन्च कर सकती है। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बजाज कर रही है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि बजाज कभी ना कभी तो 150 के अंदर भी फेयरिंग देगी, जो कि फेयरिंग आपको 180 के अंदर देखने को मिलती है वही फेयरिंग आपको बजाज पल्सर 150 के अंदर भी देखने को मिल सकती है। ये अभी कंफर्म नहीं है, कह नहीं सकते कि ये आपको देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। कभी भी बजाज इसको दे सकती है, अभी कंफर्म नहीं हो रखा है। और नहीं तो अभी बजाज की तरफ से आ रहा है कि भाई आपको 150 के अंदर भी फेयरिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बजाज R15 जैसी गाड़ियों को कंपटीशन देने के लिए अपनी पल्सर के अंदर भी फेयरिंग देवे और उसके इंजन को और स्मूथ करके उसके अंदर और पावर दे करके R15 जैसी गाड़ियों को कंपटीशन देने के लिए उसे तैयार कर सकती है। यही थी कि भाई आपको अभी कंफर्म नहीं है कि आ सकती है या नहीं आ सकती, लेकिन आ जरूर सकती है क्योंकि उन गाड़ियों के अंदर आपको ज़्यादा सेगमेंट किंग बन रही है। हर गाड़ी जिस तरह सेफ हो गई है वो तो पल्सर एक सेगमेंट किंग है, तो उसके अंदर वो अब आगे बढ़ती जा रही है। तो पल्सर को कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कंपनी अपग्रेड नहीं करेगी। टाइम टाइम पे बजाज हर गाड़ी को अपग्रेड करती आई है, तो बजाज पल्सर को भी अपग्रेड करेगी। तो ये तो आपका कन्फर्म हो गया होगा कि आएगी या नहीं आएगी। आप उसके लिए रुकना चाहते तो इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि कुछ दिनों के अंदर वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी कि आपको पल्सर 150 फेयरिंग के अंदर देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब अपन बात करते हैं अपने नियोन एडिशन और ट्विन डिस्क की, जो आपको अभी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करें नियोन की। नियोन के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलते हैं और सिंगल डिस्क देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ अपन बात करें ट्विन डिस्क यानी कि UG5 की, तो उस गाड़ी के अंदर आपको डुअल डिस्क देखने को मिलते हैं और सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। और उस गाड़ी के अंदर आपको थोड़े बहुत ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा एक मॉडल और आता है क्लासिक, जो कि आज तक पल्सर का आता है, उसको अभी अपग्रेड नहीं किया गया है। उसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS और सिंगल चैनल डिस्क देखने को मिलता है। बाकी हर गाड़ी के अंदर आपको एक इंजन देखने को मिलता है। तो इंजन के बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 149cc का इंजन देखने को मिलता है, जो पावर जनरेट करता है 15 BHP की, यानी कि 14.6 BHP की जनरेट करता है, लेकिन ये 15 BHP हो सकता है। तो ये गाड़ी 150 सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और बजाज की भी एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। अगर हम इस गाड़ी को कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों से, प्लेटिना C200, तो उन गाड़ियों से ये कई ज़्यादा बिक जाती है। इसीलिए पल्सर के अंदर आज तक समय समय पर बजाज बदलाव करती आई है, लेकिन इसका डिज़ाइन आज तक नहीं बदला गया है। या तो नहीं तो 220 का बदला है, नहीं 150 का बदला है। तो आपको अभी इस गाड़ी के अंदर फेयरिंग बजाज देगी भी तो उसी मॉडल की उठा करके इस गाड़ी के अंदर दी जाएगी। आप देख सकते हो कि पल्सर 150 का लुक आपको 125 के अंदर देखने को मिल जाया करता है नियोन एडिशन का। और उसको भी लॉन्च किया गया था 180 वाले लुक को भी, लेकिन वो एनिवर्सरी के लिए लॉन्च किया गया था, आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिला था। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि आपको नियोन एडिशन या आप ट्विन डिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आप 150 फुल फेयरिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो इंतज़ार भी कर सकते हो क्योंकि आपको वो गाड़ी भी देखने को मिल जाएगी। हर समय समय पर आपको उसको एक साल या डेढ़ साल या लगभग एक साल के अंदर तो आ जाएगी, ऐसा ही समझ के चलो, एक साल से ज़्यादा नहीं लेगी। तो आप पल्सर ही लेना चाहते हो लेकिन 220F जितना आपके पास बजट नहीं है और उसी डिज़ाइन के अंदर लेना चाहते हो तो आप इंतज़ार कर सकते हो क्योंकि कुछ दिनों के अंदर आपको वो भी देखने को मिल जाया करेगी। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ये जानकारी अपने दोस्तों को देना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में यही जानकारी थी कि आपको 150 फेयरिंग के अंदर देखने को मिल पाएगी या नहीं देखने को मिल पाएगी।